प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी तमाम क्षेत्रीय दल को अपने साथ लेकर के 2022 के चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जो है एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि साफ तरीके से जिस तरीके से अखिलेश यादव पिछले 2 महीने से मुझसे बातचीत कर रहे थे, हमारे संपर्क में थे, और मैं पिछले 2 दिन से लगातार जो है लखनऊ में बना हुआ हूँ और मेरी उनसे मुलाकात हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि हम जो है दलितों को भी अपने साथ लेकर चुनाव लड़ें। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मुझे अपमानित किया है और हमारी उनसे एक ही मांग थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन अखिलेश यादव ने मुझे साफ तरीके से अपमानित जो किया है। अभी भी मैंने उनको 2 दिन का समय दिया है, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ जो है दलितों का वोट चाहते हैं, दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं देना चाह रहे हैं अखिलेश यादव। तो उन्होंने तमाम बातें जो है कही है, तमाम तरीके का आरोप भी लगाया है समाजवादी पार्टी के मुखिया पर। और वहीं पर अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो लगातार सभी क्षेत्रीय दल को अपने साथ जोड़ के 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। क्या कुछ चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आप सबको जानने में दिलचस्पी है कि कल जो मुलाकात हुई थी उसके बाद हम लोग गठबंधन में कितनी सीटों पर जा रहे हैं, कहाँ से लड़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें आपके मन में। मैं भी 2 दिन से मीडिया के लोगों से बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैं भी अपनी चीज़ों को फाइनलाइज कर रहा था, क्योंकि आदमी जो जितना आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ भी कहता है उन बातों पे उसका टिका रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे अंदर हिम्मत होती है, उससे फालतू नहीं बोलता हूँ। मैं समझता हूँ कि 6 महीने पहले से हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें हुई, हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है, तो जो मुद्दे थे जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी, सब चीज़ें बात होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें, क्योंकि घोषणा करना और उन पर खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुँची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए, उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इसमें इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूँ तथागत बुद्ध से। भरपूर प्रयास किए गए क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है, पिछली बार जो अखिलेश जी एक छोटा सवाल ले, बस एक 2 दिन से आप इंतजार कर रहे हैं ना, मैं भी 2 दिन से, मुझे 9 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए, 9 साल से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, और कभी भी दलित पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, पसमांदा पे, कभी उनके हितों की रक्षा की बात होती, चाहे CNPR NRC का मामला हो, मैं पहला शख्स था जो जेल गया। नेता डर रहे थे कि मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे तो यहाँ जो है दिक्कत आ जाएगी, मैंने, मेरी चीज़ें ये है ना, जो आपने पिछले घोषणा पत्र के थे आप उनको, आपने तो उनको तो पूरा नहीं किया, इसलिए मैं उनसे चाहता था कि वो स्टेट अपना जो है ना वो फाइनलाइज करें, मजबूती से रखें, लेकिन वो नहीं चाहते हमारे मुद्दों बात करें, तो कहने से नहीं चलेगा। तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे, अब हम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, घर घर जाके लोगों को तैयार किया है, बीजेपी के से हमने लाठियां खाई है, हमने मुकदमे झेले हैं, बीजेपी के खिलाफ जो है हम लोग लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, CNPR NRC का मामला हो, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, हम सड़कों पे लड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने लोगों के हितों की रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी। मैं 25% दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हूँ,
उनको मैं अपमानित करने के लिए, मैं तो माननीय काशीराम साहब को नेता मानता हूँ ना, उनको राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, बीजेपी ने कहा बना देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। मेरी लड़ाई विधायक एमपी बनने की नहीं, लड़ाई सामाजिक न्याय की। मैंने कल उनके पाले में छोड़ी थी, उनका जवाब नहीं आया। मैं मानता हूं कि वो दलितों का नेतृत्व और दलितों के हितों के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। मुझे भी उम्मीद है कि मेरे बाद हो सकता है वो स्टेटमेंट देंगे, हम ये करेंगे, लेकिन हमने तो सबके देखे। प्रधानमंत्री जी भी कहते 2 करोड़ रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री भी कहें कि जो है 15-15 लाख देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन देश बेच दिया। तो बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए मैं चाहता था कि एक लार्ज अलायंस बन जाए, क्योंकि अगर विपक्ष में थोड़ा सा बिखरा होगा उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसलिए मैं 2 दिन से यहाँ था। अब दलित समाज के लोग, वंचित वर्ग के लोग, बहुजन समाज के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई स्वयं लड़ेंगे। मैं समझता था अखिलेश जी दूरदृष्टि है, वो समझते होंगे कि लड़ाई आज की नहीं है, उत्तर प्रदेश से केंद्र का रास्ता तय होगा। लेकिन पिछली बार जिस तरह से माननीय काशीराम साहब के साथ धोखा हुआ कि उन्होंने माने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया और वो फिर ठगे से रहे कि मैं इनका वजूद बना के जो है ना अपने लोगों को कमजोर नहीं कर सकता हूँ, उनके हितों की रक्षा के लिए चुप नहीं रह सकता हूँ। मैं सरकार में इसलिए नहीं शामिल होना चाहता कि कल, अभी तो सरकार बनी भी नहीं है, कि मैं अपने लोगों की हत्याओं पर, तमाम तरह की समस्याओं पर चुप हो जाऊँ, मैं नौजवानों की बेरोजगारी के मामले चुप हो जाऊँ, ये मुझसे नहीं होगा। लड़ेंगे और प्रयास करेंगे जो अभी बिखरा विपक्ष है उसको एकजुट करें, अगर वो नहीं होगा तो अपने दम पे लड़ेंगे। चंद्रशेखर भाई एक सवाल आपसे ये मेरा, मैं फिर कह दूं आपसे, मैंने माननीय बहन जी सबसे पहले प्रयास किया था, वो हमारी नेता बड़ी है कि उनके साथ एक गठबंधन, मैंने खूब प्रयास किया, मैं स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूँ, उसके लिए मैं तमाम मुकदमे जेल सब चीजें देखी, तिहाड़ भी 2-2 बार गया, लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया कि एकजुटता बनी रहे। मैंने बहन जी से प्रयास किया, उन्होंने कोई इस पे सहमति दर्ज की, मैंने भैया से प्रयास किया, मैंने उनको बड़ा भाई माना, क्योंकि मुझे पता है कि शायद उनको कुछ ना हो, लेकिन अगर सरकार बीजेपी की आ जाती तो अगले 5 साल में जो दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को और सब समाज को जो झेलना पड़ा और जो पिछले 5 साल में झेलना पड़ा, कहीं मैं उसका हिस्सेदार ना बन जाऊं। मेरे भाई पर सवाल ये है कि आखिर वजह क्या रही, क्योंकि देखिए हम ये खबर लगातार चला रहे हैं, गठबंधन नहीं हो सका। आपको अखिलेश जी 12:30 बजे मिलेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप उनसे पूछे कि ऐसा बड़ा हो रहा है, इसलिए आपका कद बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं गठबंधन किया गया। मेरा कद, मैं समझिए ना, मैं व्यक्तिगत तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ, मेरे कद की क्या है। अच्छा, क्या मैं, आप तो पूरे प्रदेश का मेरा काम जानते हैं, 22-23 प्रदेशों में हमारा संगठन है, मैं तो बिहार तक चुनाव लड़के अपने दम पे, तो मैं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन मेरा प्रयास ये था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल किसी दलित का, कि बच्ची का, किसी मुस्लिम समाज की बच्ची का, किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज समझ, किसी स्वर्ण समाज की बच्ची का भी रेप हत्या हुआ। हमने देखा ना उन्नाव क्या हुआ, हमने देखा ना आतरस क्या हुआ। इस बीजेपी को रोकने के लिए मैंने अपना स्वाभिमान दांव पे लगा दिया, जबकि मेरे वर्कर नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम अपने हितों की लड़ाई स्वयं लड़ें। रावण साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप दूसरे असदुद्दीन ओवैसी हो गए हैं, क्योंकि ओवैसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं कर रहा है, आपको भी कोई अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाह रहा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब कोई अपने हितों के लिए लड़ता है ना, तो वो उसको फिर कुछ ना कुछ तो सहना पड़ता। देखिए मैं सत्ता की, मेरी लड़ाई सत्ता कभी थी नहीं, ओवैसी के साथ सत्ता का सहारा लेके व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। सत्ता कभी मैंने, जब सत्ता की बात चल रही थी ना, लोग चुनाव तैयारी कर रहे, तो मैं आंदोलन लड़ रहा था 2 जनवरी को भोपाल में, जो पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए उनका आरक्षण जहाँ खत्म किया गया था, सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। अभी आपने सर एक महत्वपूर्ण बात कही, विपक्ष को एकजुट करेंगे तो वो कौन लोग होंगे जिनको आप एकजुट करेंगे? मेरा प्रयास रहेगा, मैं सभी लोगों से नाम लेके बताइए सर, नाम मैं क्या कह रहा हूँ। आप अगर आप ये भी सोचते हैं ना कि मुझसे तो नाम लेने की उम्मीद करते हैं, आप जाके उनसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। जब आप पूछेंगे तो मैं पर्सनली आपको नाम लेके बताऊंगा। मेरा काम है कि जो बटा हुआ विपक्ष है वो एकजुट, और मैं इसके लिए 2 दिन और प्रयास करूंगा पूरी जिम्मेदारी से। नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी, वो अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और गलत ये है ना कि मैं आपको अगर बुला के 10 बजे, कि पीसी 10 बजे है और आपको 12 बजे तक इंतजार कराऊं तो